जय साई राम। आज मैं यहाँ साप्ताहिक राशिफल का बताने जा रहा हूँ। ये राशिफल आज यानी 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये समय बहुत शुभ है। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में खुशी रहेगी। और यदि कोई इंटरव्यू देना चाहते थे, कोई शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। शत्रु आपके दबे रहेंगे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको लड़ाई झगड़े से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई राह जाता लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर पड़ सकता है, परंतु सफलता उसमें आपको ही मिलेगी। अब दूसरी राशि वृष की बात करते हैं। वृष वालों के लिए ये समय मिक्स सा है, यानी ना अच्छा ना बुरा। मानसिक तनाव में ये समय बीतेगा और चिंताओं में वह दबे से रहेंगे। अपने आप को कुछ उखड़ा उखड़ा सा महसूस करेंगे, चिंता में रहेंगे, जिस कारण उनको शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, खान पीन की तरफ ध्यान दें और उत्तेजना पूर्वक वस्तुओं का सेवन ना करें, ज्यादा पानी का सेवन करें और परिवार में खुशी बनाए रखें, क्योंकि परिवार की तरफ से सहयोग ना मिलने की वजह से चिंता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये समय बहुत शुभ है। क्रोध की मात्रा चाहे उनमें बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन समय अच्छा है। यदि आपने क्रोध पर नियंत्रण रखे तो परिवार में खुशी बनी रहेगी और सभी उनसे प्यार करेंगे। इस समय में कुछ नए रिश्ते बनेंगे, कोई नए दोस्त मिलेंगे जो आगे भी आपका साथ देंगे। इस समय में मिथुन राशि वालों के तरक्की के योग हैं, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस समय में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि सेहत इस समय में कुछ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को शारीरिक कष्ट का संकेत मिल रहा है। इस समय में उनका शरीर ठीक नहीं रहेगा, परंतु खुशी उनके इर्द गिर्द घूमेगी, यानी बहुत खुश रहेंगे। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा किस्मत जागृत होगी और उनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इस समय में यदि प्रयत्न करें तो बहुत लंबे समय से रुके हुए कार्य उनके पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को इस समय में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी दुर्घटना का अंदाशा यहां पर हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि लंबी यात्रा को टाल दें और बहुत ध्यान से यात्रा करें। खान पीन भी बहुत ध्यान से करें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। खुशी की बात यह है कि सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा, सैर करने को मन भी करेगा और करेंगे भी। परिवार के साथ यदि रहें तो इनको खुशियां बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी और खुशियां डबल भी हो जाएंगी। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें वाहन खुद ना चलाएं, सैर सपाटे के लिए जाएं और परिवार को भी खुश रखें और खुद भी जो है खुश रहें। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत प्यार भरा है। सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। जो लंबे समय से मतभेद चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। कन्या राशि वाले खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे भी। पैसा उनके पास आएगा और शॉपिंग करने को दिल भी करेगा और परिवार से भी खुशी मिलेगी, अपने अंदर से भी खुशी मिलेगी। सब रिश्ते उनके मधुर से बने रहेंगे और लंबे समय से जो तनाव बना हुआ था वह दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का जो समय है वो बहुत अच्छा है। आत्म सम्मान उनमें बहुत बढ़ेगा, आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा और उनको सम्मान भी मिलेगा। नए रिश्ते इस समय में बनेंगे। यात्रा के भी योग हैं, यात्रा उनकी होगी तो उनको लाभ मिलेगा, खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि यात्रा में जाते हैं तो उनको खुशी भी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी। लेकिन जो एक बात इस राशि वालों के लिए है कि स्वभाव में तेजी के कारण ये अपनी खुशियों का गला घोट देंगे, इसलिए अपने स्वभाव को नॉर्मल रखें और सामने वाले का
इज्जत करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, सफलता मिलेगी, अप्रिय घटना कोई हो सकती है, ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी से बचें और किसी लड़ाई झगड़े का यदि आपके गले पड़ता है तो थोड़ा सा दूर रहें। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों को रोग हो सकता है, इस समय में कोई पुराना रोग भी जा सकता है, नया भी हो सकता है, वाहन सुख मिल सकता है, कोई नया वाहन मिल सकता है, परिवार में इनकी वजह से खुशी आएगी, व्यापार में अच्छा चलेगा, खुशी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब तरफ से ये खुश रहेंगे और लंबे समय से जो चिंताएं इनके दिमाग में थी वह दूर होंगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि वालों की, बात हमने कर ली मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को नौकरी के योग हैं, यानी नौकरी में तरक्की होगी, पैसा इनको इनको आर्थिक तंगी मिलेगी, यानी पैसा नहीं मिलेगा, पैसा फंसने के योग हैं, इनका स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जुए शराब से बचें। मकर वालों को मैं सलाह देना चाहता हूं, एक तो नौकरी में इनको तरक्की मिल सकती है, उधर ध्यान दें, लेकिन पैसा इनको आर्थिक तंगी आ सकती है, इसलिए ध्यान से खर्च करें, सेहत की तरफ खास ध्यान दें, खान पीन की तरफ खास ध्यान दें और जुआ शराब वगैरह से ये बच कर रहे हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक तंगी आ सकती है, परिवार को इनको समझना चाहिए, परिवार में यदि कोई बात होती है तो उसको समझना चाहिए, वरना लड़ाई झगड़े के योग है, गुस्सा बहुत आने के योग है, गुस्से पर कंट्रोल रखें, झगड़ों से बचें, वाहन कोशिश करें ना चलाएं, यदि चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाएं क्योंकि किसी में टक्कर होने के योग हैं। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों को नौकरी व्यापार में तरक्की मिलेगी, नौकरी बदल सकती है, व्यापार में कुछ नए आपको ऑर्डर मिलेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा, औलाद सुख मिलेगा, हेल्थ जो है वो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, बाकी सब तरफ से आपको खुशी मिलेगी, खुशी बांटिए उतनी ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। तो ये थे राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में भी आपको हमारे ये वीडियो मिलते रहें।